नमस्कार, जय हिंद। मौसम केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज दिनांक 14 जुलाई है और हम बात करेंगे राजस्थान के मानसून अपडेट की। सबसे पहले यदि सिनॉप्टिक सिचुएशंस की बात करें तो एक लो प्रेशर सिस्टम आज भी उड़ीसा और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। वहीं साउथ राजस्थान के भागों से मानसून ट्रफ लाइन गुजर रही है। इसके अलावा पिछले 24 से 48 घंटों एक्चुअली रेनफॉल पर एक नज़र डालें तो फिलहाल साउथ राजस्थान के ज़्यादातर भागों में मानसून सक्रिय है। पिछले 24 घंटों में झालावाड़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश भी दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा बारिश डग झालावाड़ में 140 mm, जो कि वेरी हैवी रेनफॉल की कैटेगरी में आता है, दर्ज की गई है। इसके अलावा इस सिस्टम का असर अभी भी अगले 48 घंटों तक साउथ राजस्थान के इलाकों में अधिकांश स्थानों पर बना रहेगा। यानी उदयपुर संभाग में आज भी कहीं कहीं भारी बारिश और एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में ज़्यादातर स्थानों पर अभी भी अगले 48 घंटों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में यदि बात करें तो 16 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में स्कैटर्ड प्लेसेस पे रेनफॉल होने की संभावना है। यानी 16 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में अगले 2-3 दिन के लिए हेवी रेनफॉल होने के चांसेस कम रहेंगे, केवल लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी एक बार फिर से मानसून ट्रफ लाइन के नॉर्थवर्ड शिफ्ट होने की वजह से 16-17 जुलाई से देखेंगे कि ज़्यादातर इलाकों में वेस्टर्ली विंड्स का प्रभाव होगा और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में 17 जुलाई से रेनफॉल में कुछ कमी होने की संभावना है। धन्यवाद।